द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में डाइस को सॉल्व कर रहे थे और उसमें हमने ये बताया था कि हम लोग कितने टाइप के क्वेश्चंस इसमें देखने वाले हैं। पहला, जैसे हमने कहा था कि कोई भी डाइस का एक ही पोजीशन दिया गया हो तो उसमें हम लोग विपरीत सतह के बारे में कैसे, आप कह सकते हैं वो डाइस का इन्फॉर्मेशन वीडियो था। तो जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाले प्लेलिस्ट में आप जाइए, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आज हम लोग किशन केस सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। तो केस जो आपका सेकंड है, इसमें हमने आपको बताया था कि हम इसमें तीन टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहला जो हम लोग केस इसमें देखेंगे, इसमें जो पहला टाइप है आपका वन कॉमन ट्रिक से हम लोग चीज़ों को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिएगा, वन कॉमन ट्रिक आप कैसे अप्लाई कर पाते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, डाइस दिया गया है, तो दो पिक्चर्स दी गई रहेंगे और उसमें हमको क्या बताना रहेगा, विपरीत सतह के बारे में बताना रहता है। किसके बारे में आपको बताना रहता है, विपरीत सतह के बारे में। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, दो डाइस हैं, इसमें कुछ नंबर इस तरीके से अंकित हैं और आपको बताना है कि कौन सी सतह किसके विपरीत होने वाली है, कौन सी सतह किसके भैया विपरीत होगी। तो चलिए, अब कैसे हम सॉल्व करेंगे कि कौन सी सतह हमारी किसके विपरीत होने वाली है। ये हमारे पास क्या है, दो डाइस दिया गया है। तो कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब भी दो पिक्चर्स दी गई हों तो तीन ही केस बन सकता है, या तो आप वन कॉमन ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, या तो टू कॉमन ट्रिक, या तो नो कॉमन ट्रिक। तो यहाँ पर देखिएगा कि कौन सी सर्फेस हमारी कॉमन होने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप देखें पहले वाले डाइस में, तो चार पाँच छः है और यहाँ पर पाँच तीन एक है, पाँच तीन क्या है भैया एक है। तो पहले वाले पिक्चर्स में अगर आप देखें तो पाँच यहाँ पे है, दूसरे वाले में भी पाँच यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम कौन सा केस लगाने वाले हैं, वन कॉमन ट्रिक के माध्यम से हम बता पाएंगे कि कौन सी सरफेस किसके विपरीत होगी। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी तरीके से बनेगा कि चार के विपरीत कौन सी सतह होगी, पाँच के विपरीत कौन सी सतह होगी, छः के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो वन कॉमन ट्रिक अगर आप अप्लाई करना सीख गए हैं तो कोई भी, ठीक ना, किसी भी टाइप का क्वेश्चन वो हमसे क्यों ना पूछे, आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान लीजिए बताइए आप पाँच के विपरीत कौन सी सतह होगी, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि अपोजिट टू सरफेस फाइव, तो आपको बताना है कि पाँच के विपरीत कौन सी सतह होगी। या हमसे पूछ लेता है कि बताइए छः के विपरीत में कौन सी सतह होगी, क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, वो कह रहा है कि छः के विपरीत में कौन सी सतह होगी। तो आइए विपरीत के बारे में हम लोग फाइंड करते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आप लोग देख लीजिए कि इन दोनों में अगर आप देखें तो फाइव यहाँ भी है, फाइव यहाँ भी है। अब क्या करते हैं, फाइव को ऊपर नीचे नोट डाउन कर लीजिए, फाइव को क्या करिए भैया ऊपर नीचे नोट डाउन कर लीजिए, और पहले क्वेश्चन में आप लोग क्या चलिए क्लॉकवाइज, बातें समझ रहे हैं, क्लॉकवाइज मतलब आप समझ रहे हैं ना घड़ी के दिशा में। तो इसमें भी आप नंबर को क्लॉकवाइज लिख दीजिए और इसमें भी आप नंबर को क्या कर दीजिए क्लॉकवाइज लिख दीजिए। अब किसी के जहन में आ रहा है कि सर हम क्लॉकवाइज नहीं लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लिखें, तो मेरे भाई अगर आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसमें भी आप एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा, आंसर आपको सेम मिलेगा, ठीक ना। अगर आप इस वाले पिक्चर में एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसमें भी आप एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा, आंसर आपको सेम मिलेगा। क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो दोनों में आप क्या करिएगा क्लॉकवाइज चलेगा। तो बहरहाल हम लोग क्लॉकवाइज सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ऊपर नीचे हमने पहले वाले का पाँच लिख लिया, दूसरे वाले का पाँच लिख लिया। अब पहले वाले में आप क्लॉकवाइज चलिए, तो पहले वाले में क्लॉकवाइज चलेंगे, पाँच के बाद कौन नंबर है आपका, चार है, चार के बाद में कौन सा नंबर है, छः है, बातें समझ रहे हैं। अब इसमें आप आ जाइए दूसरे वाले में, पाँच के बाद में कौन सी सरफेस है भैया, पाँच के बाद में आपका क्या है एक है, एक के बाद में कौन सी है तीन है, बातें समझ रहे हैं। अब एक चीज़ हमको ये बताइएगा कि जो पासा होता है वो एक से लेकर छः तक नंबर अंकित रहते हैं, छः ही सरफेस होते हैं। अब अगर आप यहाँ से देखें कौन कौन सी सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः, तो यही हमारे नंबर्स होते हैं। अब इसमें आप चेक कर लीजिए कौन कौन से नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, छः दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा, तीन आपको दिखाई दे रहा है, चार दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है, ठीक ना, पाँच भी आपको दिखाई दे रहा है। तो कौन सी सरफेस आपको नहीं दिखाई दे रही, दो नहीं दिखाई दे रही। और इसमें अगर आप देखें तो इन दोनों में पाँच कॉमन है, तो पाँच के विपरीत में कौन सी सरफेस आपकी हो जाएगी, दो, बातें समझ रहे हैं। जो सरफेस यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रही है, जो सरफेस दोनों में कॉमन है वो वाली सरफेस उसके क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ से अगर आप देखें,
अब हर एक क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि 6 के विपरीत में आपका कौन है, 3 है, और 3 के विपरीत में कौन सी सरफेस आपकी, 6 है। इसमें अगर आप देखें तो 4 के विपरीत में आपका 1 है और 1 के विपरीत में आपका क्या है, 4 है। इस वाले में अगर आप देखें 5 के विपरीत आपका क्या है, 2 है, 2 के विपरीत में आपका 5 है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है और किसी के भी बारे में आपसे पूछे कि कौन सी सतह किसके विपरीत होगी, तो आसानी से, ठीक ना, इजी आप हर एक सरफेस के बारे में बता सकते हैं। जैसे यहाँ से हमसे पूछा था कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो मेरे भाई 5 के विपरीत में अगर यहाँ से देखें तो 5 के विपरीत में आपकी कौन सी सरफेस है, 2 है, ठीक ना। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से हमसे पूछा था कि 6 के विपरीत में कौन सी सरफेस है, तो 6 के विपरीत में आपकी कौन सी सतह है, 3 है। कौन है भैया, 3 है। बातें समझ रहे हैं? तो इस तरीके से वो किसी के भी बारे में पूछता है ना, इस तरीके से यहाँ से कोई भी इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस पूछता है तो आप आसानी से विपरीत के बारे में बता पाएंगे। कैसा भी वो क्वेश्चन क्यों ना पूछे, पहला काम क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन आप सुकून से समझ लीजिए। पहला अप्रोच हम लोगों का यही होगा कि दोनों हम ये देखेंगे कि इन दोनों डाइस में कौन सी सरफेस हमारी कामन है। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो आसानी से अगर हमको दिख रहा है ये 5 दोनों में कामन है, तो इस 5 को हम क्या कर लेंगे, ऊपर नीचे क्या कर लेंगे भैया, नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद में पहले वाले में आ जाइए तो क्लाक वाइज हम क्या करेंगे, घूम जाएंगे। तो 5 के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसका काम, फिर आप 5 पे आ गए तो रोटेशन वहीं रोक दीजिए, इसमें आ जाइए। 5 यहाँ पे दूसरे में हमने लिखा था, तो 5 के क्लॉकवाइज आप ऐसे ही तो घूमेंगे, तो 5 के बाद में कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 के बाद में कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बातें समझ रहे? अब इन दोनों में आप देखें तो 6 सरफेस हमको दिखाई दे रही है, लेकिन इन 6 सरफेस में आपको 5 के बारे में एग्जैक्ट पता है, और कौन नहीं दिखाई दे रहा, 2 नहीं दिखाई दे रहा। तो जो नहीं दिखाई दे रहा वो किसके विपरीत में हो जाएगा, 5 के विपरीत में हो जाएगा। बातें समझ रहे हैं? वो किसके विपरीत में हो जाएगा, 5 के विपरीत। तो यहाँ से किसी भी के बारे में, अपोजिट के बारे में पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इसमें आप लोग बताइएगा कि कौन सी सरफेस किसके विपरीत होगी। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट या सिंबल को भी वो डिनोट कर सकता है। अल्फ़ाबेट जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने लेटर लिखा, मतलब नंबर लिखा है, तो वो लेटर्स का भी यूज़ करके पूछ सकता है। जैसे नंबर में हमने 1 से 6 तक लिखा, तो लेटर में वो कुछ भी दे सकता है, ए से लेके एफ तक दे सकता है, क्योंकि एफ़ आप जानते हैं 6 लेटर्स हो जाएंगे उसमें। या कोई स्पेशल कोई नंबर्स भी वो कोड कर सकता है, जैसे मान लीजिए एक लेटर्स वाले क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चंस ना। ये हमारे पास क्या है भैया, पासा है, इसमें आप आसानी से बताएंगे कि कौन सी सरफेस किसके विपरीत होगी। ये पहली डाइस है और ये आपका क्या है, दूसरा है, ए है, एफ है, और यहाँ पे क्या है भैया, सी है ना। यहाँ पे हम ई लिख दे रहे हैं, डी लिख दे रहे हैं, और फिर आपका ये क्या हो जा रहा है, सी हो जा रहा। अब आपको बताना है कि सी के विपरीत में कौन सी सतह होगी। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सी के विपरीत में, अपोजिट टू सरफेस सी, इसमें आपको बताना है कि सी के विपरीत में कौन सी सतह होगी, F के विपरीत में कौन सी सतह होगी। बातें समझ रहे हैं? तो कोई भी चीज़ वो आपसे पूछे तो आसानी से आप बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप, आपके पास पता चल गया है कि इन दोनों में अगर आप देखें कौन सी सतह आपको कामन दिख रही है। तो पहला, जब भी ऐसे क्वेश्चंस हमको एग्ज़ाम में मिलते हैं तो पहला हमारा काम यही है कि हम दोनों पिक्चर्स में देखें कि कौन सी सतह हमारी कामन है। तो पहले वाले में देखें तो ए एफ सी है, दूसरे वाले में अगर आप देखें तो ई डी सी है। तो दोनों में कौन सी सतह कामन आपको दिख रही है, सी। कौन सी सतह कामन दिख रही है भैया, सी। यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है। तो जब सी कामन दिख रहा है तो सी को आप क्या करिए, ऊपर नीचे नोट डाउन कर दीजिए। यहाँ पे हमने सी पहले वाले के लिए, सी दूसरे वाले के लिए। अब वही काम आपका है कि क्लाक वाइज आप घूम जाइए। तो पहले वाले पिक्चर्स में अगर आप देखें तो एफ सी के बाद में कौन सी सतह आपको दिखेगी, एफ। बातें समझ रहे हैं? एफ के बाद में कौन आ जाएगा, ए। कोई दिक्कत किसी को ना, आराम से चीज़ों को करते जाइए और आपको आंसर मिलता जाएगा। तो इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, चलिए इसमें आ जाते हैं। सी दोनों में कामन है, सी के बाद में कौन सी सतह आपकी आ जाएगी, डी। कौन आ जाएगा भैया, डी। और डी के बाद में कौन सी सतह आपको मिलने वाली है, ई। कोई दिक्कत, इसके बाद में क्या मिल जाएगी आपको, ई। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए के विपरीत में कौन सी सतह है, ई। ई के विपरीत में कौन सी, ए। एफ के विपरीत में कौन सी सतह आपकी, डी। डी के विपरीत में आपका एफ। अब यहाँ पे देखिएगा कौन सी सतह आपको नहीं दिखाई दे रही, तो बी आपका नहीं दिखाई दे रहा है। तो बी जो होगा वो सी के क्या हो जाएगा भैया, विपरीत में हो जाएगा। बी जो सरफेस होगी वो क्या होगी आपके, सी के विपरीत में हो जाएगी।
और बी सी के विपरीत में है, सी बी के विपरीत में है, तो आसानी से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ना। वो नंबर्स भी आपको दे सकता है, नंबर्स के माध्यम से आपको विपरीत सतह के बारे में पूछ सकता है, अल्फ़ाबेट या कोई स्पेशल सिंबल भी वो दे सकता है। तो चलिए, अगर आप सिंबल्स वाले क्वेश्चंस करने चाहते हैं तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ से हमसे पूछा है सी के विपरीत में क्या होगा, तो सी के विपरीत में कौन सी सतह है भैया, आपकी बी है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी। यफ के विपरीत में पूछा है, तो यफ के विपरीत में कौन सी सतह आपकी होगी, डी होगी। तो आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक ना। वन कॉमन ट्रिक हम लोग इसी तरीके से अप्लाई करते हैं। कोई दिक्कत किसी को ना, दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि सर ये चीज़ें यहाँ पे हमको दिक्कत कर रही हैं, यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो अगले वीडियो में उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आई होप इस तरीके से इतना आराम से सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तो समझ में आ जाना चाहिए। अगर फिर भी कहीं पे डाउट हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक टाइप कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कुछ सिंबल्स वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, तो सिंबल्स वाले आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे सिंबल्स वाले भी देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि सर आप सिंबल्स तो कुछ पढ़ाए ही नहीं थे, है कि नहीं। चलिए, ये आपका क्या है, पहला है, ये आपका दूसरा डाइस। मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या मिल गया, डॉलर मिल गया, यहाँ पे स्टार मिल गया, ये आपका क्या है भैया, हैच है, ठीक। यहाँ पे आपका क्या है, परसेंटेज है, ये आपका क्या है, ऐट दी रेट है, थोड़ा सा सही से कर दे रहे हैं, ये आपका क्या है भैया, ऐट दी रेट का सिंबल है, और फिर यहाँ पे आपको क्या मिल गया, हैज मिल गया। हमको बताना है कि परसेंटेज के विपरीत में कौन सी सतह होगी, आपको बताना है कि अपोजिट टू सरफेस, ठीक ना, परसेंटेज। तो इसमें आपको बताना है कि परसेंटेज के विपरीत में कौन सी सतह आपकी होगी, या ऐट दी रेट के विपरीत में कौन सी सतह आपकी होगी। क्या भैया, ऐट दी रेट के विपरीत में कौन सी सतह आपकी होगी। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिएगा ये हमारे पास क्या है, ठीक ना, आसानी से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, हैच है, और ये आपका क्या है, परसेंटेज, ये डॉलर है, ये आपका स्टार है, ये परसेंटेज है, कॉपीराइट है, और ये आपका क्या है, हैच है। तो यहाँ भी आप कौन सा ट्रिक लगाएंगे, वन कॉमन ट्रिक, कौन सा भैया, वन कॉमन ट्रिक आप अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हैच है और यहाँ पे आपका हैज है, तो हैज को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए आसानी से। अब इसको भी क्या कर दीजिए, क्लॉकवाइज चलिए, क्लॉकवाइज इसमें चलेंगे तो इसके बाद में कौन सा आपको मिलने वाला है, स्टार, फिर उसके बाद में कौन सा भी है, डॉलर, बातें समझ रहे हैं। अब दूसरे वाले में आ जाइएगा, इसके बाद में आपको क्या मिलने वाला है, कॉपी राइट मिलेगा, कॉपी राइट के बाद में कौन सा आपका, परसेंटेज, कॉपी राइट के बाद में कौन सा आपका मिलने वाला है भैया, परसेंटेज। तो इस तरीके से आप आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाओ यहाँ से देखिएगा, अब आप कह सकते हैं कि इसके विपरीत में आपका क्या होगा, इसके विपरीत में डॉलर के विपरीत में आपका क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा, और यहाँ से देखिएगा ये आपका स्टार के विपरीत में कॉपीराइट। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि सर ये तो आपका नया सिंबल मिल गया, तो इसके विपरीत में आप कैसे, ठीक ना। जैसे यहाँ से देखो, पहले इसका हम जिक्र कर लेते हैं जो आपसे क्वेश्चंस पूछा है। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिशत के विपरीत में कौन सी सतह होगी, तो प्रतिशत के विपरीत में अगर आप देखें तो कौन सा आपका भैया, डॉलर है, कौन सा है, डॉलर। ऐट दी रेट के विपरीत में कौन सी है आपकी, सरफेस, तो ऐट दी रेट के विपरीत में आपका क्या है भैया, स्टार। तो ये आसानी से दे सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रहा होगा कि सर मान लीजिए अगर हमसे ये पूछ लेता कि आप बताइए हैज के विपरीत में कौन सी सरफेस होगी, तो हैज के विपरीत में मेरे भाई कुछ इस तरीके से वो ऑप्शन सेट करता कि आपको अलग दिखता ना। जैसे अगर यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि आप बताइए ना हैज के विपरीत में कौन सी सतह होगी, तो वो हैज के विपरीत में जब भी आपसे पूछता तो ऐसे आप पहला ऑप्शन मान लीजिए हमने यहाँ पे डॉलर दे दिया, दूसरे ऑप्शन का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया भैया, परसेंटेज दे दिया, तीसरा ऑप्शन हमने यहाँ पे क्या दे दिया, कॉपीराइट दे दिया, तीसरा ऑप्शन हमने क्या दे दिया, कॉपीराइट दे दिया, कॉपीराइट, और थोड़े अच्छे से हम बना देते हैं, ये आपका क्या भैया, कॉपीराइट हो गया, और जो चौथा वाला मतलब डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका हमने क्या दे दिया, यहाँ पे स्टार दे दिया, क्या दे दिया, स्टार। अब यहाँ से आपको बताना है कि हैज के विपरीत में कौन सी सतह है, तो वैसे भी देख लीजिए हैज के विपरीत में ये तो कभी आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिएगा
ये जो आपका डॉलर है वो किसके विपरीत में है, परसेंटेज के, तो कभी भी ये हैज का तो हो ही नहीं सकता दूसरे वाले का, तो ये ऑप्शन आपका गलत। दूसरे वाले में अगर आप देखें तो परसेंटेज है, ये हैज ये भी नहीं हो सकता कभी। ये जो आपका स्टार है यहाँ पे, स्टार के विपरीत में कौन सी सतह आपकी है, ये कौन सी सतह स्टार के बीच में अगर आप देखें तो ये आपका क्या है, कॉपीराइट है, सॉरी ये आपका क्या है, ऐट दी रेट है। स्टार के बीच में आपका क्या है भैया, ऐट दी रेट है, तो कभी ऐट दी रेट मतलब ये इसके विपरीत में कभी नहीं हो सकता है। तो कौन सा आपका नया लग रहा है, तो सी जो आपका होगा, ये जो सी ऑप्शन आपका है, सी ऑप्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कॉपीराइट लिखा है। कॉपीराइट थोड़ा जूम करके दिखा दे रहे हैं, कॉपीराइट ऐसे कुछ लिखा जाता है, तो वो हमने वहाँ पे लिखा है, कॉपीराइट लिखा है। तो जो इसके विपरीत में होगा वो आपका क्या होगा, कॉपीराइट होगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं, वो ऑप्शन किस तरीके से बनाया है उस पर डिपेंड करता है। तो आई होप ये वन कॉमन ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमको सर यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो अगले वीडियो में हम उसको ठीक ना बहुत अच्छे से और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग, अब अगले वीडियो में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, नो कॉमन ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे सारी चीज़ें आपको मतलब टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाया भी जा रहा है, जैसे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी आपका चलने वाला है, और आगामी जितने भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, जैसे आप लेखपाल ले लीजिए या फिर आपका ग्रुप डी वगैरह हो गया ना, टेट हो गया, सुपर टेट के कुछ आपको क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट वगैरह करवाया जा रहा है, और डिटेल में भी क्लासें चल रही हैं, तो आप लोग भी ना विजिट करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके आगामी एग्ज़ाम में। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।